मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज। मुझे इतना लगता है कि हमने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे जुबान पे हिंदी हो, मेरे घर में हिंदी हो। और वर्तमान में हिंदी के लिए तन मन धन से लगे हैं। फ्रेंच जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ और वो फ्रेंच बोलता है, तो मेरा भाषा का विज्ञान ये कहता है कि मुझे हिंदी बोलना है। किस तरह से यहाँ क्या विमर्श होना है, किस तरह की चर्चा होनी है, जाना है किस दिशा में, इसको जाना और कैसे इसका प्रयोग और बढ़ाना। इसका जो पूरा विषय वस्तु है वो हिंदी जगत, संभावनाएं और विस्तार है। इसी भाषा की जानकारी होनी चाहिए आपकी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब सम्मेलन हुआ था तब ये बात निश्चित हुई थी कि अगला सम्मेलन भारत में होगा। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फिल्मी जबान हो गई है, फिल्मी भाषा, उसका इस्तेमाल हिंदी में होने लगा। प्रशासन में हिंदी, शासन में हिंदी, आईटी के क्षेत्र में हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी। हिंदी भी और उर्दू दोनों यहाँ अपने चरम पर रही हैं, इसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत की भाषाएं जितनी भी हैं, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, गुजराती। एक मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं न्यूज वन। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और वर्तमान में हिंदी के लिए तन मन धन से लगे हैं। एक ऐसा प्रयास है कि हिंदी मध्य प्रदेश में और प्रचलित हो, देश में प्रचलित हो, पूरी दुनिया में हिंदी का नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल माधव दवे की, ये सांसद भी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये मध्य प्रदेश को इसका आतिथ्य का मौका मिला है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में ही आपसे सारी बातचीत करूँ और आतिथ्य का अवसर मिला है मध्य प्रदेश को। कैसे आप देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब सम्मेलन हुआ था तब ये बात निश्चित हुई थी कि अगला सम्मेलन भारत में होगा, लेकिन हमारी वर्तमान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भारत में वो भोपाल में हो इसका निर्णय किया। और मुझे लगता है कि ऐसा करके उन्होंने भोपाल, मध्य प्रदेश पर जो भरोसा जताया कि ये कार्यक्रम यहाँ अच्छे से हो सकेगा वो चरितार्थ होगा। और ये हम भोपालवासी और मध्य प्रदेश के निवासी इस बात के लिए बहुत उनका धन्यवाद भी देते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि देश दुनिया से आने वाले हर प्रतिनिधि को कोई तकलीफ ना हो, उनकी चिंतन की धारा बहती हुई जब अंतिम समापन के उस पार जाए तो उसमें से ऐसे निष्कर्ष निकले जिससे हिंदी और बलवती हो, और सहज हो, और सरल हो, और उसका व्याप और बढ़े। किस तरह से यहाँ क्या विमर्श होना है, किस तरह की चर्चा होनी है, कहाँ ले जाना है, किस दिशा में इसको ले जाना है और कैसे इसका प्रयोग और बढ़ाना है? इसका जो पूरा विषय वस्तु है वो हिंदी जगत, संभावनाएं और विस्तार है। वस्तुतः तो हिंदी भाषा के रूप में, हिंदी का शब्दकोश, हिंदी में भाषांतर, प्रशासन में हिंदी, शासन में हिंदी, आईटी के क्षेत्र में हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी, फिर तकनीकी शिक्षा में हिंदी, चिकित्सा शिक्षा में हिंदी, ऐसे बहुत से आयाम हैं जिन आयामों के ऊपर विचार तो किया गया है लेकिन उतना विचार नहीं किया गया जितना विचार इस पर किया जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी सम्मेलन व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे बढ़ करके हिंदी के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। राजा भोज की नगरी, नवाबों की नगरी, झीलों की नगरी भोपाल, हिंदी भी और उर्दू भी दोनों यहाँ अपने चरम पर रही हैं। इसमें कैसे देखते हैं आप इन दोनों भाषाओं के बीच में ये एक चर्चा, एक विमर्श और क्या कुछ नया निकल रहा है? देखिए, भारत की भाषाएं जितनी भी हैं, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, गुजराती, वैसे भी उर्दू भारतीय भाषा है और ये सारी भाषाएं एक दूसरे की सहेलियां हैं।
कोई बड़ी छोटी नहीं है, सहेलियां सब एक जैसी होती है, बहनें बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन परिचय में हम भी कहते हैं हम सब बहनें हैं, पूरे मोहल्ले की लड़कियां कहती हैं। तो ये सब एक दूसरे की सहेलियां हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, परस्पर एक दूसरे से शब्दों का आयात निर्यात करती है, कोई शब्द वहां से ले लेती है, कोई शब्द वहां दे देती है। तो भाषाओं के अंदर एक बहुत ही सुखद समन्वय है और उस समन्वय के कारण ही सारी भाषाएं सशक्त हुई हैं, समृद्ध हुई हैं, उनमें बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार उसके अंदर हुए हैं। इसलिए ये कंपार्टमेंट में अलग अलग देखने की भाषा नहीं है, सब भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जैसे शरीर के सारे अंग मिलकर के शरीर है, वैसे सारी भाषाएं मिलकर के भारतीय भाषाएं एक राष्ट्र का निर्माण करती है। हाँ, और उसमें से फिर एक पूरा का पूरा भूभाग मिलकर के देश राष्ट्र खड़ा होता है। तो और हमारे देश के अंदर मैं बहुताय कहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 के पहले भी लोग चार धाम यात्रा करते थे, तमिलनाडु से चल के बद्री केदार जाता था और गुजरात से निकल करके रामेश्वरम जाता था, उसको तो भाषा की तकलीफ नहीं हुई। भाषा की तकलीफ क्यों हो रही है? भाषा की तकलीफ स्वार्थी राजनेताओं और कुछ आग में घी डालने वाले अलग अलग विधाओं के जानकार लोगों के कारण है, अन्यथा आप बहुत गौर से देखेंगे तो हमारे को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, हजारों सालों से नहीं हो रही। और तथाकथित रूप से आप जिन्हें अनपढ़ कहते हैं, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको हम अनपढ़ कहते हैं, ऐसे सारे अनपढ़ देश के लोग 5,000 की किलोमीटर की यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तो हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी अब तो बहुत व्यापक हो गई है, पहले देश में थी, अब पूरी दुनिया में हमारे हिंदी भाषी, पूरी दुनिया में। मुझे नहीं लगता कि अगर हम कहीं भी जाएं तो हमें हिंदी भाषी नहीं मिलेगा, हमें संवाद की कोई इस तरह की, अगर हिंदी भी सिर्फ जानते हैं तो संवाद की कोई इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, आप क्या मानते हैं? मुझे इतना लगता है कि हमने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे जुबान पे हिंदी हो, मेरे घर में हिंदी हो, और मैं देश दुनिया में कहीं पे भी जाऊँ तो अपनी भाषा तब तक बोलता रहूँ जब तक सामने वाला उस भाषा को समझ रहा है। और अगर वो अपनी भाषा को खुद बोल रहा है, फ्रेंच जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ और वो फ्रेंच बोलता है, तो मेरा भाषा का विज्ञान ये कहता है कि मुझे हिंदी बोलना है। क्योंकि अगर आपका स्टैंड फ्रेंच, जर्मन, अन्य भाषा बोलना है तो और उसके लिए दोभाषीय हैं जो अपना भाषांतर कर देंगे, लेकिन हिंदी बोलने में शर्म महसूस करना, मैं आगे तभी बढ़ाऊँगा, बड़ा हुआ दिखूँगा जब मैं कोई दूसरी भाषा बोलूँगा, तो ये ठीक दिशा नहीं। दूसरी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, आप इसकी हिमायत करते हैं? मनुष्य ने जितनी संभव उतनी भाषाओं को सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने से बुद्धि की बुद्धिमत्ता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए कोई भाषा गलत नहीं है, सारी भाषाएं अच्छी है, सारी भाषाएं सुंदर है, समस्या तभी है जब भाषा का दुराग्रह शुरू होता है। थोपना, हाँ, आप किसी पे थोपते हैं, आप सामने वाले को मिटा करके अपनी भाषा चाहते हैं, तो ये दुनिया में कभी सफल नहीं हुआ। हिंदी में काला, पहले हिंदी बहुत विशुद्ध हिंदी बोली जाती थी, धीरे धीरे अब इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फिल्मी जबान हो गई है, फिल्मी भाषा हो, उसका इस्तेमाल हिंदी में होने लगा, काफ़ी अधिक दूसरे भाषाओं के शब्दों भी शब्द भी इसमें समाहित हो गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें कोई एक अंतर कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, क्या चीज़ें स्वीकार होना चाहिए और क्या चीज़ें इससे इसको बहुत खिचड़ी या बहुत चटनी जैसा बनने दें, इसके लिए कहीं कोई एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? लगता कहीं खिचड़ी नहीं बन रही है, भाषा अपने आप में पूरी ही होती है। भाषाएं, मैंने जैसा कहा, शब्दों का आदान प्रदान करती रहती हैं। जिसे आप विशुद्ध भाषा बोल रहे हैं ना, वो क्लिष्ट भाषा है, बिल्कुल, और वो हिंदी का मजाक करने वालों ने खड़ी की है। जो लोग अच्छे लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, वो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाते और कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते। और आप देख लीजिए, एक आदमी, एक हरिवंश राय बच्चन के लड़के ने पूरे फिल्म जगत की हिंदी के अंदर कितना सुधार कर दिया। आप अगर अमिताभ बच्चन की भाषा को
खिचड़ी भाषा कह रहे हैं तो वो नहीं है, वो बहुत अच्छी सरल सीधी हिंदी है, लेकिन वो क्लिष्ट भी नहीं है। ऐसी हिंदी के लिए कोई भी तरसेगा, तो मुझे नहीं लगता अच्छी हिंदी बोलने से कोई समस्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कुछ उर्दू के शब्द आ जाए कुछ, बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ लगे हुए बगार की सुगंध आपके यहाँ आएगी आएगी, आप कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, ये होके रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ हम पास पास होते हैं, जहाँ हम माहौल में रहते हैं, उसका असर होता ही होता है। इसलिए कोई भाषा, आप महाराष्ट्र के किनारे का मध्य प्रदेश देखेंगे तो वहाँ की हिंदी के अंदर मराठी शब्द होंगे, आप गुजरात के किनारे का आप थानला के आगे चले जाएंगे तो गुजराती शब्दों का हिंदी में प्रवेश देखते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि भाषा के उच्चारण पर का कितना महत्व है। जब हम उर्दू पुट ले लेते हैं तो फूल को हम फूल कहने लगते हैं, अंग्रेजी का शब्द है और मायने भी उसके मूर्खता से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा में उच्चारण का कितना महत्व है इस पर भी हम बात करेंगे, और प्रयोग में किस तरह की स्वीकारता और अस्वीकारता है इस पर एक चर्चा जो हमारी चल रही थी उसको भी आगे जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज, मुझे इतना लगता है कि हमने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे जुबान पे हिंदी हो, मेरे घर में हिंदी हो, और वर्तमान में हिंदी के लिए तन मन धन से लगे हैं। फ्रेंच जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ और वो फ्रेंच बोलता है, तो मेरा भाषा का विज्ञान ये कहता है कि मुझे हिंदी बोलना है। किस तरह से यहाँ क्या विमर्श होना है, किस तरह की चर्चा होनी है, कि जाना है किस दिशा में, इसको जाना और कैसे इसका प्रयोग और बढ़ाना, इसका जो पूरा विषय वस्तु है वो हिंदी जगत, संभावनाएं और विस्तार है। अच्छी भाषा की जानकारी होनी चाहिए आपकी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब सम्मेलन हुआ था तब ये बात निश्चित हुई थी कि अगला सम्मेलन भारत में होगा। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फिल्मी जबान हो गई है, फिल्मी भाषा, उसका इस्तेमाल हिंदी में होने लगा। प्रशासन में हिंदी, शासन में हिंदी, आईटी के क्षेत्र में हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी। हिंदी भी और उर्दू दोनों यहाँ अपने चरम पर रही हैं, इसमें कैसे ऐसे देखते हैं आप? देखिए, भारत की भाषाएं जितनी भी हैं, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, गुजराती, एक मुलाकात। मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज, मुझे इतना लगता है कि हमने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे जुबान पे हिंदी हो, मेरे घर में हिंदी हो, और वर्तमान में हिंदी के लिए तन मन धन से लगे हैं। फ्रेंच जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ और वो फ्रेंच बोलता है, तो मेरा भाषा का विज्ञान ये कहता है कि मुझे हिंदी बोलना है। किस तरह से यहाँ क्या विमर्श होना है, किस तरह की चर्चा होनी है, कि जाना है किस दिशा में, इसको जाना और कैसे इसका प्रयोग और बढ़ाना। इसका जो पूरा विषय वस्तु है वो हिंदी जगत, संभावनाएं और विस्तार है। अच्छी भाषा की जानकारी होनी चाहिए आपकी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब सम्मेलन हुआ था तब ये बात निश्चित हुई थी कि अगला सम्मेलन भारत में होगा। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फिल्मी जबान हो गई है, फिल्मी भाषा, उसका इस्तेमाल हिंदी में होने लगा। प्रशासन में हिंदी, शासन में हिंदी, आईटी के क्षेत्र में हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी। हिंदी भी और उर्दू दोनों यहाँ अपने चरम पर रही हैं, इसमें कैसे ऐसे देखते हैं आप? देखिए, भारत की भाषाएं जितनी भी हैं, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, गुजराती, एक मुलाकात। विराम के पूर्व मैंने एक शब्द का उपयोग किया था, ब्रेक। यह शब्द भी हिंदी में समाहित हो गया, बहुत प्रचलित हो गया। इसके आप क्या मायने निकालते हैं ये आप जाने, लेकिन विराम के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है और हमारी बात अनिल माधव दवे से चल रही थी। दवे साहब, हम बात कर रहे थे उच्चारण हिंदी का, जैसे 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अब ज्यादातर हमारे जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो विश्व को विश्व नहीं, विश्व बोल देते हैं। इस तरह का उच्चारण, जैसे फूल फटना, हिंदी के शब्द भा है लेकिन हम उर्दू के फे जैसा उच्चारण करते हैं, फूल फटना या इस तरह की जो चीजें हैं, इस पर भी कहीं विराम लगना चाहिए, इसलिए कि इससे लगता है भाषा की वो जो सुंदरता है या जो भाषा का वो जो एक समझ है, फिर को फिर
ये सब चीजें कहीं एक विराम होना चाहिए इस पर। भाषा के अंदर शब्द शब्दों का अपभ्रंश होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अशुद्ध भाषा बोलना, चाहे आप अशुद्ध हिंदी बोलिए, चाहे अशुद्ध गुजराती बोलिए, चाहे अशुद्ध अंग्रेजी बोलिए, अशुद्ध बोलना और अशुद्ध लिखना ये गोहत्या के बराबर पाप है। अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो साफ बोलिए, शुद्ध बोलिए। और जब आप अशुद्ध बोलते हैं तो मूल में वो हमारी ही गलतियों के कारण आया। आपने बहुत गौर से देखा होगा, ये साक्षात्कार देने से पहले मैंने पानी पी करके मुंह के अंदर पान खाने के अगर अवशेष थे तो उसे मिटाया, क्योंकि अनादिकाल से इस देश के अंदर कहा गया है कि मंत्र का उच्चारण करते समय मुंह के अंदर अन्न का कण नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए था, क्योंकि मुंह अगर साफ होता है तो शब्द का उच्चारण दोष खत्म होता है। लेकिन हमारे देश में अनादिकाल से लोग बहुत भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जिसको आप अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक साइंस कहते हैं। वो अंग्रेजों ने तो अभी 600 साल 500 साल पहले सीखी होगी, मैं 5000 साल से ज़्यादा से उस विज्ञान से परिचित लोग हूँ। तो मुझे लगता है अशुद्ध बोलने से बचना चाहिए, लेकिन लोक भाषाओं में शब्दों के अंदर अपभ्रंश होता रहता है और उसको लेकर के बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन शब्दों का सही ज्ञान देने की जवाबदारी कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो हमारा है, और इस कैसे पहुंचाएंगे इस चीज़ को भी? बिल्कुल हमारा दायित्व है, और सबसे पहला दायित्व है माता पिता का। जो माता पिता अपने बच्चों के शब्दों को नहीं सुधारते हैं तो फिर जैसा आप बच्चा बड़ा करते हो वैसा हो जाता है। तो ये स्कूल के अंदर शिक्षक की जवाबदारी बाद में है, सबसे पहली जवाबदारी घर के अंदर है। घर के अंदर जब आप भाषा का दोष दूर करेंगे तो आप देखिए धीरे धीरे सब जगह ठीक होने लग जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि आज हम जो बच्चा बड़ा कर रहे हैं उस बच्चे के साथ हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। हम जिस संस्कार की बात करते हैं, हम जिस अच्छे भाषा ज्ञान की विज्ञान की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है और हम मशीनीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं, हम एक सोच ही हमारी हो गई है कि वो बहुत पैसे अच्छा कमा ले, 24 घंटे काम करे और बड़े पैकेज में काम करे, भले उसके लिए वो यूरोप चला जाए। कितने लोग पैकेज में काम करते हैं देश के, लेकिन गलती तो घर में हो रही है ना। मैं हर पिता से पूछता हूँ कि लॉरी बेटी को सुनाए कितने दिन हो गए, अपने बच्चों को, अपने लड़के को रात को अपनी रजाई में लेकर के बोध कथाएं पंचतंत्र तो सुनाए कितने दिन हो गए। उसको दूसरे कमरे में बंद करते हो, वो उसका बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, तो बड़ा होकर के वो आपको बुढ़ापे में बंद कर देता, उसमें कौन सी नई बात। अब तो सवाल एक और बड़ा प्रश्न है कि उन्हें वो पंचतंत्र की कथाएं याद रह गई कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल। नहीं, इसीलिए बायोलॉजिकल पिता होना एक बात है, पिता होना दूसरी बात है। और पिता होने के लिए परम कर्तव्य है व्यक्ति का कि वो एक ऐसी प्रजाति, ऐसी नस्ल पैदा करे, उसको बड़ा करे। इस संसार में अच्छा नागरिक देने से बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन वो तब होगा ना जब आप उसे बचपन में ये सब बातें सुनाएंगे, ये सब बातें बताएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हिंदी लॉरी से चली गई, हिंदी रात की कथाओं से चली गई, हिंदी अलग अलग विधाओं से चली गई। अब हम आरोपित कर रहे हैं मुख्यमंत्री खराब है, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर रहे है। अरे भाई, तुम पिता होकर के, माता होकर अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो और दोष प्रशासन में ढूंढ रहे हो कि प्रशासनिक अधिकारी। आपकी भाषा कहाँ अच्छी है? और कुछ नहीं होता है, अमिताभ बच्चन की जड़ें हरिवंश राय बच्चन में होती है, तेजी बच्चन में होती है। आदमी ने अपने माँ बाप से ही सब कुछ सीखता है। मैं क्या हूँ? मैं अपने पिता की प्रतिकृति हूँ, और क्या, मैं अपनी माँ जैसा हूँ, और क्या। बिल्कुल सही है। मैं बचपन में जब हम खीरा खाते थे तो मेरे पिता एक दोहा सुनाते थे, खीरा मुखसो काटिए मलियन लोन लगाए, और आज भी वो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये इस तरह से, लेकिन लगता है कि इसका प्रचलन कम हो गया इस तरह की चीज़ों का। प्रचलन कम होने का एक ही कारण है कि मुझे टीवी से फुर्सत नहीं है, मुझे चैट से फुर्सत नहीं है, मुझे मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो फिर बेटे को जवान होने के बाद में उसको भी फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। प्रशासन में किस तरह से, आप प्रशासन की बात कर रहे थे कि प्रशासनिक भाषा और अन्य इस तरह की चीज,
प्रशासन में किस तरह से इसका हिंदी का दखल बढ़ेगा, प्रयोग बढ़ेगा। और प्रशासन, आप एक बात अभी कर रहे थे, बहुत क्लिष्ट हिंदी। वर्तमान में हम मध्यप्रदेश सरकार की भी अगर हम बात करें तो कुछ प्रशासनिक जो आदेश होते हैं उसमें बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग होता है। इस तरह की चीज़ों को भी कुछ बाहर निकालने का विचार होगा? अरे संसद के अंदर जो लोग मुझे हिंदी के अंदर जवाब देते हैं वो हिंदी मुझे समझने के लिए अंग्रेजी का संदर्भ पढ़ना पड़ता है। वो जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं ना जो उसका भाषांतर करते हैं, तो वैसे मूल रूप में वो हिंदी को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें एक सहज सरल हिंदी की ओर जाना पड़ेगा। और वो हिंदी कैसी होना चाहिए जिसको किसान को, अगर आप उसकी खेत का B1, B12 पट खसरा खतौनी दे रहे हैं तो उसे उस भाषा में दीजिए जिसमें वो समझता है। आप उस भाषा में मत दीजिए जिस भाषा के अंदर ब्रिटेन समझ, किसी और के पास जाना नहीं, उसको ब्रिटेन जाना पड़ता है, उसको डिक्शनरी उठाना पड़ती है। अगर वो उड़ीसा में है तो उड़िया भाषा में दीजिए ना उसे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में जो कुछ राजनीति भाषा विज्ञान में चली उसका दुष्परिणाम है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इसका सुधार, मध्य प्रदेश से शुरुआत होगी, कोई सुधार होगा? इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, भाषा में कोई सुधार होगा? मध्य प्रदेश के अंदर इसको लेकर के एक पहल मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम सब लोग भी लगे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत आने वाले 5-10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में देखें। प्रशासन के साथ न्यायालय, हिंदी भाषी प्रदेश है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे प्रदेश भी हैं न्यायालय में सब कुछ अंग्रेजी में होता है और खासतौर से उच्च न्यायालयों में। तो ये आम आदमी के न्याय की जहाँ संघर्ष की स्थितियाँ हैं, जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ ही अगर जब वो भाषा जो उसके समझ में नहीं आती, वकील साहब ने क्या लिख दिया, क्या दस्तखत करा लिया, ये वो भी ठीक से नहीं समझता, वहाँ के बारे में क्या सोच है आपकी? और कोई ये एक दिन में नहीं संभव है, लेकिन क्या सरकार स्तर पर या किन्हीं और स्तरों पर इसमें क्या कैसे सुधार किया जाए? देखिए, आपने न्याय व्यवस्था जो स्वीकार कर ली है ये ब्रिटिश की है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था तो पंचायत से होती थी, पंच बैठते थे, पूरा गाँव सुनता था, कोई संदर्भ, कोई रेफरेंस, कोई फोटोकॉपी लाने की जरूरत नहीं थी, सब इलाके को पहचानते थे, सब सारे गुण जानते थे कि ये राधेश्याम कौन है और इसके पिता कौन थे और इसके दादा कौन है। तो हमारी न्याय व्यवस्था वो थी, उसको तोड़ करके हमने ये ब्रिटिश व्यवस्था खड़ी की। गांधी जी इसीलिए कहते थे देश पंचायती व्यवस्था से चलेगा, लेकिन ये व्यवस्था नहीं जो अभी राजनेताओं ने खड़ी कर दी है, इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। जब हम न्याय के अंदर भारतीयता लाएंगे ना तो भाषा अपने आप आ जाएगी। और मेरा तो हमेशा कहना, महाराष्ट्र के अंदर न्याय की मांग करता हुआ व्यक्ति खड़ा है, आप उसे मराठी में क्यों नहीं न्याय सुना रहे हैं? और पूरी कार्यवाही आप मराठी में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अंग्रेजी में उसके सामने क्यों बोल रहे हैं, या आप हिंदी में भी क्यों बोल रहे हैं? आप उस भाषा में बोलिए जिसके अंदर उसको समझ में आए कि आपने क्या तर्क दिया है, उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गोरे अंग्रेज चले गए तो कारे अंग्रेज आ गए। कुछ अंग्रेजी के शब्द भी काफ़ी कुछ हिंदी में समाहित हो गए, उसके प्रयोगों को लेकर भी आप कुछ सोचते हैं? ये आखिरी सवाल है मेरा कि इस तरह के प्रयोग कितने अधिक होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, कैसे हिंदी में ये सारी चीज़ें समाहित होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या भाषा का एक कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा, वही जो मैं पहले भी आपसे सवाल कर रहा था। देखिए, भोजन में चटनी के बराबर दूसरी भाषा के शब्द आते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमेशा आएंगे। लेकिन अगर सारा दाल चावल सब्जी रोटी ही चटनी के बराबर हो जाएगी तो फिर तो चिंता करना पड़ेगी कि ये भाषा ही ख़त्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ शब्द सहज होकर के उस भाषा में बस जाते हैं, कुछ शब्द हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो जो बनाए रखते हैं वो कंकड़ है, जो पक गया चावल के साथ वो आहार है। तो जो उस समाज में घुल गया वो समाज का हिस्सा हो गया, लेकिन जो नहीं घुला और जिसने अपना अस्तित्व अलग रखा तो वो कंकड़ है। और कंकड़ को कभी मुंह से आगे नहीं जान देना चाहिए, जीवन का काम है कि उसे ढूंढे और बाहर निकाले। तो ऐसे शब्द जो कंकड़ हैं वो आपकी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो आपने सहज स्वीकार कर लिए तो वो भाषा के अंदर सहज स्वीकृत हो गए। ये थे हमारे साथ अनिल माधव दवे, इनका कहना था एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, कंकड़ की तरह कोई चीज ना आए, जो एक सहज, जैसे खान पान में चटनी का महत्व है,
अचार का महत्व, वैसे अगर कोई चीज आ जाती है उस भाषा को और चटपटी और अच्छा बनाती है, तो ये होना चाहिए। हिंदी और उर्दू सहेलियां हैं, सखी हैं, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। और भोपाल से ये एक पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक संदेश जाने वाला है, तो ये बिल्कुल आवश्यक है। ये दिखता भी है कि हिंदी अगर ठीक से प्रयोग होगी तो हम अपनी राजभाषा, मातृभाषा का सम्मान करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे गंध की जगह महक ने ले ली है, खुशबू आती रहे यही सबकी सोच है, और सुगंध ही जीवन है। हिंदी सम्मेलन में कई तरह के विमर्श होंगे।